भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लगातार टीम से बाहर बैठे हैं। पंत की जगह T20 और वनडे सीरीज में KL राहुल को विराट कोहली ने बतौर विकेटकीपर टीम में मौका दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को अब दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। उससे पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मैच खेला और उसमें पंत को मौका मिला, लेकिन वो बल्लेबाजी में फ्लॉप साबित रहे। भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज में मिली करारी हार के बाद टेस्ट में वापसी करने की कोशिश करेगी। वहीं आपको बता दें, 21 फरवरी से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच की तैयारी के लिए टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मैच खेला, जिसमें भारतीय टीम के ओपनर फ्लॉप रहे, जबकि मिडिल ऑर्डर में हनुमा विहारी ने धमाकेदार शतक जमाया और चेतेश्वर पुजारा ने 92 रनों की पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत ने 14 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच खेला था, तब से अब तक वो प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे हैं। पंत को न्यूजीलैंड 11 के खिलाफ वार्म अप मैच में बल्लेबाजी का मौका मिला। पूरे एक महीने बाद वो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो यहाँ पर भी नाकाम साबित रहे और 10 गेंदे खेलकर महज 7 रन बनाकर वापस लौट गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है एक बार फिर से ऋषभ पंत फ्लॉप साबित रहे। अब देखना होगा क्या टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 में विराट कोहली उन्हें मौका देंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।